नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर यूएई से सामने आई है। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा का 73 साल की उम्र में निधन हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त यूएई से सामने आई है। आपको बताते चले, स्टेट न्यूज एजेंसी WAM ने शुक्रवार को इस पूरे खबर की जानकारी सबके साथ साझा की है। और इस खबर के सामने आने के बाद से ही ना सिर्फ यूएई बल्कि विदेशों में भी शोक जताया जा रहा है। पूरी दुनिया के दिग्गज इस वक्त शेख खलीफा को याद कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से शोक व्यक्त कर रहे हैं। राष्ट्रपति मामलों के मंत्रालय ने भी इस खबर की पुष्टि की है। शेख खलीफा के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी ने भी शोक जताया है। बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के प्रेसिडेंट के निधन पर शोक जताते हुए लिखा, हिज हाइनेस शेख खलीफा बिन जायद के निधन के बारे में जानकर मुझे गहरा दुख हुआ है। वो एक महान और दूरदर्शी नेता थे। उनके नेतृत्व में भारत यूएई संबंध समृद्ध हुए। भारत के लोगों की संवेदना यूएई के लोगों के साथ है। उनकी आत्मा को शांति मिले। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी शेख खलीफा के निधन पर दुख जताया और उन्होंने लिखा, शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के परिवार और संयुक्त अरब अमीरात के लोगों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। उन्हें एक दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में तेजी से विकास किया। बताते चले, इस खबर की पुष्टि होने के बाद से ही यूएई के लोगों में खासा शोक देखा जा रहा है और यही वजह है कि राष्ट्रीय शोक पूरे यूएई में देखा जा रहा है। 40 दिन का राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया गया है और इस दौरान झंडा आधा झुका रहेगा।